बात कर रहा हूँ बायस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि हम बोलते हैं बायस, तो ये जो बायस है ये आपका दो चीज़ों से रिलेटेड है। बायस आपका AI से भी रिलेटेड है, बायस आपका मशीन लर्निंग से भी रिलेटेड है। यानी कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बायस इन AI एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। अब ये जो बायस इन AI और AI जो है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है रिसर्च का। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, लगातार हो रहा है। ये बहुत ही बड़ा कंसर्न रहा है मशीन लर्निंग में भी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। किसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न है? जो भी हमारा कंज्यूमर ऑडियंस है, जो किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। काफ़ी समय से, लंबे समय से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न रहा है। अब ये जो बायस है, ये एक तरीके का जो टर्म है, ये एक तरीके का, एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक तरीके का हो जाता है सिचुएशन, है ना। बायस क्या हो जाता है? एक तरीके का कहलाता है सिचुएशन, ठीक है। अब जनरली यदि हम बायस का मीनिंग निकालने जाते हैं एज अ डिक्शनरी, तो उसका मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। जनरली बायस का मीनिंग क्या होता है? वो होता है भेदभाव। तो यहाँ पर यदि हम बोल रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, तो वो भेदभाव कैसे हो रहा है ना। मतलब यहाँ पर जो है AI का, जो भी हमारा मशीन्स है, जो भी हमारे AI से जुड़े हुए एल्गोरिथम हैं, ये भी किसी न किसी तरीके से बायस हैं, है ना। कहाँ पे बायस है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जनरली जो AI के जो भी सिस्टम्स हैं बायस हैं, वो आपके अलग अलग तरीक़ों से बायस हैं, ठीक है। कुछ आपके कलर्स के बेसिस पे, है ना, ह्यूमन के कलर के बेसिस पे, ह्यूमन के कल्चर के बेसिस पे, है ना। इन सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे जो है आपके AI जो है वो बायस है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि there are two types of bias in AI, ठीक है। तो जो पहला बायस है, है ना, जो पहला बायस है AI में, उसको हम बोलते हैं डाटा बायस। पहले बायस को हम बोलते हैं डेटा बायस, ठीक है। अब इस डेटा बायस को हम दूसरा नाम देते हैं, या उसी का दूसरा नाम है, जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिथमिक बायस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ एल्गोरिथम्स जो होते हैं, है ना, यदि हम किसी एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे हैं, किसी एल्गोरिथम का हमने ट्रेनिंग किया है, किसी एल्गोरिथम को हमने यदि इम्प्रूव किया है, तो कई बार उस एल्गोरिथम को इम्प्रूव करते समय यदि हम कोई भी बायस डेटा यूज़ कर रहे हैं, है ना, कोई भी बायस डेटा यूज़ कर रहे हैं, ऐसा डेटा जिसको कलेक्ट करते समय या उसके फाइनल कलेक्शन होने के बाद उस डेटा में जो है कहीं ना कहीं पे बायसनेस है, है ना, कुछ कुछ फैक्टर्स को हमने छोड़ दिया है। तो जनरली डेटा तभी बायस होता है यदि हम कुछ स्पेशल फैक्टर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, या फिर हम कई बार ये मान के चलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ को यदि हम अवॉइड करेंगे तो हमारा डेटा एक्यूरेट होगा। यानी कि हम कुछ एजम्पशंस यूज़ कर लेते हैं, है ना, कुछ एजम्पशंस यूज़ कर लेते हैं कि ये चीज़ जो है परफेक्ट हो नहीं सकती, है ना। या फिर कुछ स्पोर्ट्स के बारे में हम ये मान के चलते हैं कि ये स्पोर्ट्स जैसे पॉपुलर नहीं है ज़्यादा, तो ये हमारा एक तरीके का एजम्पशन है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे डेटा में जब हमारे पास ऐसा थिंकिंग डेवलप होता है कि जिससे कि हम अपने डेटा में कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को जो है अवॉइड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है वो बायस होने लगता है, बायस बनने लगता है। कई बार इसके अलावा यदि हम किसी पर्सन के कलर या कल्चर के हिसाब से यदि उसके डेटा को हम कलेक्ट नहीं करते हैं या इग्नोर करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके का सोसाइटल बायस जो है आपके डेटा में वो चीज़ क्रिएट हो जाती है। अब इस तरीके का क्या होता है, इसका पूरा जो इम्पैक्ट है,
है ना, इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो आपके एल्गोरिथम पर भी दिखाई देगा, है ना, इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो आपके एल्गोरिथम पे भी दिखाई देगा। अब इससे क्या होगा, जो भी आप मशीन लर्निंग से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड वर्क करोगे वो वर्क क्या होगा, इफेक्ट होगा, है ना, वो वर्क क्या होगा, इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा हम ले रहे हैं, डेटा यदि बायस है ना, तो एल्गोरिथम भी उस हिसाब से बायस ही वर्क कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ आई है ना, ये जो चीज़ आई है बायस एआई में, वो एक्चुअली में कैसे आई है ना, इसका भी हमको ओरिजिनेशन देखने की ज़रूरत है, ठीक है। हम अक्सर सुनते आए हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या हैं, इम्पार्शियल होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी सुना है उसके हिसाब से हमें ये पता है कि जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको ये माना जाता है वो इम्पार्शियल हैं, वो बिना किसी भेदभाव के वर्क करते हैं। तो ये जो बायस वाली चीज़ है, यह कहाँ से रही है, ठीक है। भले हम ये थ्योरेटिकली मानते हैं कि कंप्यूटर्स आर पार्शियल इम्पार्शियल, है ना, यानी कि कंप्यूटर किसी तरह का पार्शियलिटी नहीं करते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट राइट, है ना, कंप्यूटर्स आर इम्पार्शियल, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, है ना, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। तो कैसे ट्रू नहीं है, इसके बारे में भी हमको सोचना है। अब देखिए, कंप्यूटर को किसने बनाया, कंप्यूटर को बनाया इंसान ने, है ना, कंप्यूटर को किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया, है ना। तो ह्यूमन क्या बिना किसी भेदभाव के काम करता है क्या, नहीं, है ना, ह्यूमन तो बिना किसी भेदभाव के काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन यदि कंप्यूटर में कोई भी ऐसा एक प्रोग्राम इंसर्ट कर रहा है या प्रोग्राम बना रहा है, प्रोग्राम उसमें ऐड कर रहा है, तो वो किसके बेसिस पे करेगा, ह्यूमन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करेगा, ठीक है। ह्यूमन क्या कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने अपब्रिंकिंग के हिसाब से, कैसा उसका कल्चर है उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर को प्रोग्राम कर रहा है। यानी कि ह्यूमन यहाँ पर अपने कुछ न कुछ एजम्पशंस को भी यूज़ करेगा, ह्यूमन क्या करेगा यहाँ पर अपने कुछ न कुछ एजम्पशंस को भी यूज़ करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी लॉजिक या जो भी कंप्यूटर बनेगा या जो भी चीज़ बनेगा उसमें कुछ ना कुछ आपका बायसनेस ज़रूर रहेगा, है ना, बायसनेस ज़रूर रहेगा। तो जब कंप्यूटर में ऐसा हो रहा है तो एआई भी उससे कुछ डिफरेंट तो है नहीं, तो एआई के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरीके का जो है आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पोर्ट्रेट आर्ट जनरेटर, ठीक है, पोर्ट्रेट आर्ट जनरेटर। इसके बारे में काफ़ी कुछ आपने ट्विटर में भी देखा होगा, नहीं भी देखा होगा, नहीं भी सुना होगा तो हम आपको बताते हैं, ये जो पोर्ट्रेट आर्ट जनरेटर है ये कैसे वर्क करता है। पोर्ट्रेट आर्ट जनरेटर ऐसे वर्क करता है कि इसमें आप एज अ सेल्फी, है ना, इसमें क्या करते हो, आप एक सेल्फी को एज अ इनपुट देते हो, ठीक है, एक सेल्फी को एज अ इनपुट देते हो, ठीक है। अब जब आपने एज अ सेल्फी इनपुट दिया तो ये जो पोर्ट्रेट आर्ट जनरेटर होता है, ये जो भी आपने सेल्फी लिया है उस सेल्फी को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, है ना, उस सेल्फी को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, ठीक है। एनालाइज करने के बाद वो ये बताएगा कि जिस पर्सन ने पर्टिकुलर सेल्फी को लिया है, है ना, जिस पर्टिकुलर पर्सन ने सेल्फी को लिया है वो पर्सन जो है ना, वो पर्सन जो है कितना अच्छा है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं गुड है या ग्रेट है या नहीं है, ये बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पोर्ट्रेट आर्ट जनरेटर में क्या हुआ है ना, पोर्ट्रेट आर्ट जनरेटर के साथ इसको बायस इसलिए बोला गया क्योंकि जब भी इसमें वाइट फेस्ड पर्सन्स की सेल्फी को लिया जा रहा था तो उनके लिए जो रिज़ल्ट आ रहा था वो आ रहा था ग्रेट, लेकिन ऐसे पर्सन जिनका फेसेस वाइट नहीं है या फिर ब्लैक है उनके केसेस में ये जो है ग्रेट एज आंसर नहीं आ रहा था,
इसका मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पोर्ट्रेट आर्ट जनरेटर है वो कलर के हिसाब से जो है एक बायसनेस जनरेट कर रहा है ना, कलर के हिसाब से क्या कर रहा है, एक बायसनेस आ रहा है ना, क्योंकि सारे ह्यूमंस तो इक्वल हैं चाहे वो किसी भी कलर के हों, लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेट आर्ट जनरेटर का ये कहना कि वाइट पर्सन्स आर ग्रेट, ओनली वाइट पर्सन्स आर ग्रेट, दैट इज़ नॉट फेयर है ना, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको एक AI का बायसनेस बता दिया। इसके अलावा जो ट्विटर है, ट्विटर जो एक जो कि एक सोशल साइट है, ट्विटर क्या है, ट्विटर एक सोशल साइट है, तो यहाँ पर ट्विटर ने भी है ना, ट्विटर ने भी एडमिट किया है या माना है कि जो उसका फ़ोटो क्रॉपिंग, जो उसका फ़ोटो क्रॉपिंग का एल्गोरिथम है, ये फ़ोटो क्रॉपिंग का एल्गोरिथम भी इसी तरीके का बायसनेस करता है कलर्स के बेसिस पे, कलर्स के बेसिस पे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ट्विटर का फ़ोटो क्रॉपिंग एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम थ्योरेटिकली क्या करेगा, हमेशा जो है ह्यूमन फेस के किस पे फोकस करता है, ह्यूमन फेस के वो जो है आपके सेंटर पे फोकस करता है ना, उस पे सेंटरिंग करता है। और अब इसमें क्या होता है, जो आपका ट्विटर का क्रॉपिंग एल्गोरिथम है उसमें यदि आप ऐसे इमेजेस यूज़ कर रहे हो जिसमें मान लीजिए मोर देन वन पर्सन है, एक से ज़्यादा पर्सन है, और उसमें से एक पर्सन थोड़ा सा ब्लैक कलर का है और दूसरा पर्सन थोड़ा वाइट कलर का है, तो यहाँ पर जो ट्विटर का अगेन जो एल्गोरिथम है वो वाइट पर्सन पे जो है ज़्यादा फोकस करता है ना, जो वाइट पर्सन पे ज़्यादा फोकस करता है। और कई बार जो है ट्विटर का जो इमेज क्रॉपिंग का एल्गोरिथम है वो ब्लैक, ऐसे पर्सन जिनका थोड़ा सा फेसेस ब्लैक है उनके फेसेस को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, या आइडेंटिफाई कर रहा है तो गलत आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये भी एक तरीके का जो है एल्गोरिथम का बायसनेस है। तो इसका जो है सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है ना, इसका जो है सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है AI में। तो ये जो है एक तरीके से किस में आता है, आपका सोशल बायस में भी आता है। तो ये जो बायसनेस है ये आपका दोनों एल्गोरिथम से भी रिलेटेड है। इसके अलावा एक और जो लेटेस्ट प्रॉब्लम आई है, रीसेंट प्रॉब्लम आई है बायसनेस से रिलेटेड, वो रिलेटेड है आपके एक स्पोर्ट्स के डेटा सेट से। वो किससे रिलेटेड है, एक स्पोर्ट्स के डेटा सेट से भी रिलेटेड है। रीसेंट एनालिसिस में ये सामने आया है कि स्पोर्ट्स में जो कमेंटेटर्स होते हैं या जो कमेंट्री करते हैं, तो एक चीज़ कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्पोर्ट्स के कमेंटेटर्स के द्वारा कई बार जो है ऐसा जो है विवादित वो लोग चीज़ बोल देते हैं ह्यूमंस के कलर्स के बारे में, उसमें जो है फिर ह्यूमंस का जो है या फिर स्पोर्ट्समैन का या एथलीट का जो है वो लोग जो है टैलेंट को इग्नोर कर देते हैं, तो ये भी एक तरीके का जो है बायसनेस है। अब इसमें क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स को साइडलाइन करके किसी पर्सन के जो है कलर्स के बेसिस पे उसको जज किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा लेटेस्ट में AI का जो बायसनेस रहा है वो रहा है आपका COVID-19 के आउटकम को रिलेटेड, है ना, लेटेस्ट में जो AI का बायसनेस रहा है वो COVID-19 के बारे में रहा है। तो COVID-19 जब स्टार्ट हुआ उस समय जो आपका लगातार AI का प्रेडिक्शन मॉडल जो है एक्टिव होता रहा है ना, लगातार उसमें प्रेडिक्शन किए जाते रहे कि नंबर ऑफ केसेस किस तरीके से बढ़ेंगे या घटेंगे, इसके बारे में जो है लगातार आपका प्रेडिक्शन किया जाता रहा, प्रॉमिस किया जाता रहा कि जो पेशेंट्स हैं है ना, पेशेंट्स को जो है टारगेट केयर अच्छे से मिलेगा। लेकिन
अब यहाँ पर जो फाइनल प्रेडिक्शन रहा है ना, फाइनल प्रेडिक्शन रहा वो भी कुछ ना कुछ जो है आपका बायसनेस रहा, बायसनेस से रिलेटेड रहा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो है कई सारे जो है फैक्टर्स को इग्नोर किया जा रहा है कि कौन से कंट्री का जो आपका हेल्थ है वो कैसा है। कई बार जो है हम डेटा को बहुत ज़्यादा ओवर फिटिंग कर ले रहे हैं, और कई बार जो है हम हर कंट्री की सिचुएशन को कई बार सेम मान लेते हैं, लेकिन हर कंट्री की सिचुएशन तो अलग-अलग है। तो यहाँ पर हमको जो है बायसनेस को जितना हो सके कम करने पे भी हमको वर्क करना है। हमको बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो एआई पे हम काम कर रहे हैं, एआई इज़ नॉट द आइडियल मॉडल एवरी टाइम, एआई इज़ नॉट द आइडियल मॉडल एवरी टाइम। हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं उसको आइडियल बनाने के लिए। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।